हे, माय नेम इज राहुल कुंतल और आज मैं बात करने वाला हूँ जिन बच्चों की जो सेकंड ईयर में री आई थी, मतलब जिनके सेमेस्टर एग्जाम नहीं थे, ईयरली एग्जाम थे पहले, तो जिनकी जब सेकंड ईयर में री आई थी तो उनकी आगे क्या प्रोसेस रहेगी, इस सब के बारे में यूनिवर्सिटी का नया अपडेट आया तो बात करते हैं उसके बारे में। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। आगरा यूनिवर्सिटी ने री के एग्जाम पहले ही करा दिए थे, सेकंड ईयर के सभी बच्चों ने री के एग्जाम दे दिए होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया है और फाइनल ईयर की जो डेट शीट है, शेड्यूल है, वो आ चुका है। तो ऐसे में वो बच्चे क्या करेंगे जो री में पास हो जाते हैं, तो क्या उन्हें एक साल ज्यादा लेनी पड़ेगी? तो इस सब के बारे में यूनिवर्सिटी का नया अपडेट आया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जिन बच्चों ने री का एग्जाम दिया है वो बच्चे एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे अपने कॉलेज में। एप्लीकेशन में लिखना ये होगा कि अगर वो बाई चांस री में फेल हो जाते हैं दोबारा, तो वो किसी भी प्रकार की फीस वापसी की मांग नहीं करेंगे और ना ही थर्ड ईयर की दोबारा करने की मांग करेंगे, उन्हें सेकंड ईयर ही फिर से रिपीट करनी होगी। तो अब ऐसे में उन्हें एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? तो इसकी जो प्रोसेस है वो ये है कि जो बच्चे री वाले हैं वो अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर एडमिशन के लिए। उनकी बेसक री है लेकिन उन्होंने एग्जाम दे दिया है, तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म लेकर अपने कॉलेज से। तो उस कॉलेज में फॉर्म सबमिट कर दें और फिर उसके बाद वो उनका एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया जाएगा और वो फाइनल ईयर के एग्जाम्स रेगुलर वाले बच्चों के साथ दे सकेंगे। लेकिन अगर वो बाई चांस री में फेल हो जाते हैं और फाइनल ईयर में पास हो जाते हैं, फिर भी उन्हें पास नहीं माना जाएगा, वो बच्चे सेकेंड ईयर का री का एग्जाम फिर से ही दे पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी का नया अपडेट आया है, तो इसमें बहुत रिलैक्सेशन दे दिया है। तो जो री का रिजल्ट है वो हो सकता है मेन रिजल्ट के साथ आए या फिर हो सकता है उसके बाद आए, लेकिन इतना रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी ने दे दिया है कि अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो वो रेगुलर बच्चों के साथ अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना थर्ड ईयर में एडमिशन ले लें और उनके एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी से जारी कर दिए जाएं। 12 तारीख से यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो स्टार्ट होने हैं और कॉलेज में जो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2023 है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी एडमिशन फाइनल ईयर में नहीं किया जाएगा री वाले बच्चों का। तो उससे पहले 8 जुलाई 2023 से पहले अपना एडमिशन करा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो और आपके जो दोस्त या साथी जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चले और वो इससे वंचित ना रहें। जय हिंद।